राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जी सभी को। और जन्माष्टमी के दिन सुबह उठने के बाद शुरुआत हुई मंदिर की साफ सफाई से, क्योंकि पहले दिन नहीं कर पाई थी। अब बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ आपको। और देखो ये मटकी मैंने जो बनाई है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा इस तरह मैंने डेकोरेट किया है मंदिर को। अरे ये जो फ्लावर की माला है ये मेरे पास है, मतलब दिवाली डेकोरेशन के लिए उसी से मैंने ली है, मंदिर में सजाई है। ये दो मटकी मैंने बनाई थी और ये हैंगिंग करके यहाँ पे पर्दे पे वो लगा दिया है। देखो ये जो दो और बनाए थे ना चूड़ी से, वो मैंने इस तरह पर्दे में लगाने के लिए बनाया है। ये इसमें मैंने चूड़ी लगा रखी थी एक एक जगह रखने के लिए पर्दे को, तो अब मैंने उस चूड़ी पर कपड़ा लपेट के ये बना दिया है। और ये एक जोड़ी मैं कपड़े लाई हूँ रेनू को देने के लिए, रेनू के यहाँ भी लड्डू गोपाल है तो उन्हीं को मैंने दिए हैं ये कपड़े। और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ सारा काम वाम खत्म करने के बाद पूजा करने के लिए मंदिर में। बाकी सब तो मैंने कर दिया था, बस कान्हा जी नहीं नहलाए थे। और इस समय मैं अभिषेक नहीं करती हूँ, बस गंगा जल डाल के उसमें जल डाल के उसी से कान्हा जी को नहला देती हूँ। और ये जो मैं रख रही थी ना गद्दी और छोटे छोटे से तकिए, ये भी मैंने खुद बनाए हैं। देखो ये उसी की क्लिप है, इस तरह फोम रखी थी मेरे पास, वो फोम रख के लैस लगा दी। ऐसे ही ये तकिए बनाए हैं छोटे छोटे से, भगवान जी की गद्दी और तकिए। तो सुबह ही मैं भगवान जी को तैयार कर देती हूँ प्रॉपर तरीके से पूरे दिन के लिए। शाम को फिर इनका जन्म कराते हैं, तब उसके बाद मैं आगे देखना आप कि कैसे कराऊंगी मैं। लेकिन सुबह में एक बार इनको बिल्कुल प्रॉपर तैयार करके बहुत सुंदर से बना के बिठाती हूँ। और आज थीम देख रहे हैं आप मंदिर की, येलो और पिंक है। अब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, देख सकते हैं आप, नजर ना लग जाए। जोत जलाने के बाद फिर मैंने फूल भी चढ़ा दिए हैं। ये जो ये छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं ना, इन पे माला नहीं आ पाती है, क्योंकि ना माला फिर ज्यादा जगह घेरती है तो मूर्ति गिरने का डर रहता है। और कान्हा जी भी पूरे ढक जाते हैं माले में, तो इसलिए मैंने ऐसे चारों तरफ फूल लगा दिए थे इनके। और वैसी माला तो इन्होंने पहनी थी। और उसके बाद अब मैं कर रही थी जाप और रामायण भी पढ़ूँ, क्योंकि आज बाकी काम तो कुछ था नहीं, तो इसलिए पूजा थोड़ी ज़्यादा टाइम तक ही की। रामायण भी काफ़ी 1-1.5 घंटा पढ़ी, तो इस तरह समय भी थोड़ा अच्छे से व्यतीत हो जाता है। और मंदिर की डेकोरेशन आप देख सकते हैं कैसी लग रही है आपको, मेहनत तो की है मैंने बहुत। और ये माला जो गेंदे वाली माला है ना, ये भी मैंने खुद बनाई है। मैं मार्केट से फूल लेके आ गई थी 1 किलो, और ये सारी माला मैंने खुद बनाई है। और बहुत सारे फ्लावर मेरे पास बच भी गए हैं, पर ये कह सकते हो आपके यहाँ थोड़ी सी मेहनत, लेकिन बहुत सारी मालाएं भी बन गई और फ्लावर भी बच गए 1 किलो में से। और वीडियो में एंड तक बने रहिए। राधे राधे जी सभी को, जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करती हूँ सब कुशल से होंगे, अच्छे से होंगे, जन्माष्टमी मना रहे होंगे बहुत अच्छे से, बहुत सारी मिठाइयाँ बना रहे होंगे। और अभी सुबह वाली पूजा तो मेरी भी होगी है। और पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन है माता के कपड़ों का भी और लड्डू गोपाल के कपड़ों का भी। और पायल ने भी आज पिंक और गोल्डन पहनना है, और मैंने भी पिंक और येलो पहनना है। तो यही वाली थीम रखी है मैंने, पिंक और येलो। मंदिर आप देख ही चुके हैं, चलो एक बार और आपको मैं दिखा देती हूँ मंदिर। देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर, बहुत ही सुंदर सजाया है। और आज सुबह ही सजाया है, कल मैं थक गई थी तो कल काफी लेट हो गया था, तो कल मैंने सजा के नहीं छोड़ा था, आज ही सजाया है। और आपको कैसी लगी सजावट प्लीज जरूर बताना कमेंट करके। और झूला भी लड्डू गोपाल का तैयार है, अभी झूले में नहीं बैठाया है, रात को जब जन्म हो जाएगा ना उसके बाद झूले में बिठाऊंगी। ये झूला है देखो, ये मैंने खुद ही सजा रखा है सारा, ये झुलाने वाला भी है देखो, इस तरह झुलाते हैं। जब रात को भगवान जी का जन्म होगा तब इसमें बिठाऊंगी मैं झुलाने के लिए, फिर पूरी रात झूले में ही रहेंगे प्रभु। और अब बस मेरे का ना भोग लगाने के लिए पेड़े बनाने हैं और एक धनिया वाली पंजीरी बनानी है, बस दो चीज़ बनानी है वो बना दूं। और कोशिश कर रही हूँ आज भगवान को थोड़ा 56 भोग लगाने की, अगर हो पाया तो देखती हूँ कितना हो पाता है। कुछ तो तैयारी कर लिया, कुछ करनी है।
और बस अब पूजा उजा करने के बाद मैं पूरे प्रॉपर भोग तैयार करके भगवान के सामने सजा दूंगी, तब आपको दिखाऊंगी एक बार कि मैंने क्या क्या लगाया, जरूर दिखाऊंगी आपको भोग में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, देखिए कि किस तरह मैंने 56 भोग तैयार किए हैं। और अब मैं भून रही हूँ मावा पेड़े बनाने के लिए। पेड़े ना भुने हुए मावे से ही अच्छे बनते हैं, नहीं तो बूरा ना पतली होती रहती है, और अगर भून के बनाते हैं तो अच्छे बनते हैं। इसको ठंडा करने के बाद इसमें बूरा मिलाओ तो फिर ज़्यादा गिल्ली नहीं होती है बूरा, मतलब कम मीठे में भी बन जाते हैं टाइट से पेड़े। और इसी में से भूनने के बाद मैं थोड़ा सा मावा इसमें ही बचा लूँगी, बाकी निकाल के मैंने साइड में रख दिया था। और जो थोड़ा सा मावा बचाया था ना, उसमें मैंने अब आधा गिलास दूध डाल दिया है, और इसमें मैं सारे ये मेवे काजू बादाम चिरौंजी वगैरह सब डाल दी है। इससे मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए रबड़ी। मुझे एक 56 भोग लगाने, तो उसमें एक डिश ये भी है, रबड़ी बन जाएगी उनके लिए। मुझे याद आ गया कि मावे से रबड़ी बना सकती हूँ, तो मैं वही बना रही हूँ उनके लिए। 2:45 बज गए हैं और मैंने भोग भगवान जी के लिए सारे तैयार करके लगा रख दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ शुरू से। देखो ये इधर मेवे के भोग हैं सारे, बादाम है, काजू, मुनक्खा, मखाने, किशमिश, छुआरे और अखरोट। नीचे वाली लाइन पर आ जाते हैं हम, सांदा, नारियल की बर्फी और मेवा पाक, घिया की लोज, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, और ये हो गई बालूशाही। इसमें आ जाते हैं खजूर, मक्खन, मिश्री, दही, रबड़ी, पेठे की मिठाई, सूखा आंवला मीठे वाला। ये आ जाते हैं, ये नमकीन है, कचौड़ी है, समोसे हैं छोटे वाले। ये फिर मिठाई, ये धनिया की पंजीरी, ये है मखाने की खीर, ये है पेड़े, ये है टॉफ़ी एल्पेनलीबे वाली, ये है मेलोडी टॉफ़ी। फ्रूट्स में आ जाते हैं पपीता, केला, बब्बू बोसा, सेब, अनार, चीकू, मौसमी। फिर ये कैंडी आ गई है, ये खट्टी मीठी कैंडी है, ये संतरे वाली टॉफी है, ये टूटी फ्रूटी है, ये मीठी सौंफ है। इस वाली प्लेट में आ जाते हैं, ये है डेरी मिल्क, ये है चोको पाई बिस्कुट, ये है पार्ले जी बिस्कुट, ये है कैरामिल टॉफ़ी, ये है जेम्स, ये है लॉलीपॉप, ये है मंच, ये है ओरियो बिस्कुट, ये है गुड्डे बिस्कुट, और ये है ये फ्रूट ड्राई फ्रूट वाला बिस्कुट। ठीक है, इधर आ जाते हैं भुजिया नमकीन, नवरत्न नमकीन, मूंग दाल नमकीन, नट क्रैक्स, क्रिस्पी कॉर्न टेस्टी वाली नमकीन, और ये है नट मिक्स। ठीक है, और जी यहाँ पे रखा है जल प्रभु के लिए। तो मैंने इस तरह करके ये 56 भोग लगाए हैं, देख सकते हैं आप। बस जितना मुझसे हो पाया है। ये मैंने झूला तैयार करके रख दिया प्रभु का, और ये चौकी भी तैयार कर दी। जब जन्म होगा तो यहीं पे प्रभु को बिठा के और यहीं पे निलाना, वो अभिषेक उनका यहीं पे मैं करूँगी। 56 भोग की तैयारी पूरी हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट। और भगवान के सामने सारे भोग सजाने के बाद मैंने पानी पिया है। अब 3 बजे मैंने आपको दिखा दिया है सारे भोग की मैंने क्या क्या लगाया है, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। और इनका पूरा कंप्लीट करने के बाद तब मैंने पानी पिया है। और अभिषेक के लिए मैं रात को ही तैयारी करूँगी। मतलब तैयारी क्या, पंच वो होता है, शहद, दूध, दही, घी और जल और बूरा। तो इन चीज़ों से भगवान जी को नहलाते हैं, उसके बाद नए कपड़े बनाते हैं, जन्म कराते हैं। तो शाम के समय मैं इनको एक बड़े से बाउल में फूल रख के उसमें कान्हा जी को बिठा दूंगी, उनके पास एक खीरा रख दूंगी, ऊपर से फूल ढक दूंगी। और जब रात को 12 बजेंगे ना, तब उनका जन्म कराएंगे, उसके बाद अभिषेक कराएंगे। अभिषेक कराने के बाद न्यू कपड़े पर आके तब वापस से इनको मंदिर में स्थापना करेंगे, भोग लगा देंगे, जो भी हमने 56 भोग सजाए हैं। तब हम बोलेंगे भगवान जी को खाने के लिए। सुबह की पूजा में मैंने भगवान को अलग से भोग लगा दिया था, तो बस यही किया है। ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, लेकिन जितना आता है उसी हिसाब से किया है। तो रात का भोग भी थोड़ा सा, वो रात का अभिषेक भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी वीडियो में ही। अब शाम के 8 बजे हुए हैं, तो शाम की जो थोड़े जाप वाप करने थे वो करने के बाद अब मैंने कान्हा जी को
ऐसे इनके वस्त्र निकाल के ऐसे फूलों में बिठा दिया है और इनके पास रख दिया है खीरा। अब इनका इनको फूलों से ढक दूंगी और जब इनका जन्म कराएंगे तब निकालूंगी इसमें से। अब रात के देखो 12 बज गए हैं। 12 बजने के तुरंत बाद फिर मैंने कान्हा जी को फूल हटाए और निकाल लिया। अब मैं इनका अभिषेक करूंगी। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। अब मैं इनको सबसे पहले नहला रही हूँ घी से, देसी घी से अच्छे से लगा कर पूरे में मसल दूंगी इस तरह। अब बहुत बहुत प्यार से किया है, मतलब इतना मन लगता है इस सब करने में। अब मैंने डाल दिया शहद। मैंने सारी चीज़ें अलग अलग रखी हैं, नहीं तो आप सारी चीज़ें एक साथ भी मिला के कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बूरा, स्क्रब हो जाएगा प्रभु के बूरा थोड़ी आड़ होती है ना, तो स्क्रब का काम करेगी ये। इसके बाद मैं डाल रही हूँ दही। और तुलसी दल से मैंने इनको अच्छे से रगड़ दिया है। तुलसी दल भी मैंने रखा था पंचामृत में। और ये है गाय का दूध कच्चा, ये इस तरह मैंने अभिषेक किया है इनका। अब जल से नहला दिए हैं। और जन्म के बाद मैं कान्हा जी को पहना रहा हूँ पीली ड्रेस, ये भी मैं नई लाई थी। इसके साथ भी सब चीज़ें हैं। और मैंने कान्हा जी को इसमें झूले में बिठा दिया है, मुकुट लगा दिया है। अब इनको मैं तिलक वगैरह कर दूँगी और जोत जला लूँगी इनकी आरती के लिए। तो पहले मैं चंदन से तिलक कर देती हूँ इनको, उसके बाद आरती करूँगी। और परफ्यूम भी लगा देती हूँ, इत्र कहते हैं, इत्र लगा देती हूँ। अब मैं जला रही हूँ पूजा के लिए कपूर। आरती कुंज बिहारी की, शिगिर दर कृष्ण मुरारी की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ये मैंने भगवान जी को मंदिर में बिठा दिया और पूजा मेरी संपन्न हो गई है। जल भी दे आए हैं चंद्र देवता को, बस अब हम व्रत खोल लेंगे। और ये ठाकुर जी का भोग है, थोड़ी देर में इसको और खुला रहने देती हूँ क्योंकि ठाकुर जी भोग लगा लेंगे और फिर मैं इसको ढक दूंगी, लेकिन रखा यहीं रहेगा पूरी रात के लिए, सुबह हटाऊंगी इसको मैं। तो बस जी यही था जन्माष्टमी का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री राधे।